हैप्पी क्रिसमस, हैप्पी क्रिसमस। हेलो दोस्तों, क्या हाल है जी आपका। इलियास HB न्यू व्लॉग में आपको खुश आमदीद, और मेरी तरफ़ से और मेरी पूरी फैमिली की तरफ से यूट्यूब फैमिली को क्रिसमस मुबारक हो। दोस्तों यहाँ पे हम चिकन लेने के लिए आ रहे हैं। हाँ जी, ये बहन है जी हमारी, छोटी मेरी बहन है, ये भांजा है मेरा, और ये हमारे भिन भाई हैं जी। हाथ हिला दें जी आप भी, हेलो कर दें ठीक है जी। ये आप तो जी दोस्तों यहाँ पे बेगम पाए बना रही हैं, तो ये क्रिसमस की तैयारी जारी है और पाए हम बना रहे हैं मेहमानों के लिए। तो जी फ्रेंड्स, ये खीर बन रही है, मज़े मज़े की खीर ये बना के हम बांटेंगे मोहल्ले में और अपने जितने अजीज़ रिश्तेदार उनके घरों में भेजेंगे, और हम साए हैं जो, क्योंकि हम साइयों का बहुत ज़्यादा हक होता है, तो ये तमाम हम साइयों के घर हम खीर भेजेंगे पड़ोसियों के। दोस्तों भयंकर सी खीर बन रही है, बेगम खीर बना रही हैं, ये क्रिसमस के लिए तैयार हो रही है। तो हमारे साथ आप लोग भी खाएं और हम भी खाएं, क्रिसमस का मजा लें, एंजॉय करें, क्रिसमस एंजॉय करें। खीर बन रही है। Oh,
हाँ हाँ रख। एक मिनट फोन तोड़ो। एक मिनट एक मिनट, आप सही है, आप सही है। जबरदस्त बनी है जी। बहुत कमाल बनी। ठीक हो गया। जी ये दोस्तों के घर खाना तकसीम करने और तकसीम करने के लिए हम आ गए हैं। चलो ठीक है। दोस्तों यहाँ पे हम सब्जियाँ लेने के लिए आए हुए हैं। ये क्रिसमस पे हमने सबके लिए सब्जियाँ लेनी है। ठीक है जी, तो हम क्रिसमस के लिए जा रहे हैं। अपने तमाम दोस्त अहबाब हैं जो उनके घरों में केक्स देने के लिए, तो आइए हमारे साथ। Thank you.
पावरफुल फॉरेस्ट ऑफ फवारे। तो दोस्तों, मेरे सुनने के मुताबिक ये पूरी दुनिया में दो फवारे हैं, एक जो कि भावलपुर में नस्ब किया गया था सर सादिक के दौर में, तो दूसरा इस वक्त जो है बरतानिया में है, तो सेम वो इसके जैसा ही फवारा है। तो दोस्तों, मैं समझता हूँ कि ये हमारी खुशनसीबी है कि हम नवाबों के शहर बहावलपुर में रहते हैं और यहाँ पे बहुत ज़्यादा कदीम मकामात हैं जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, और कदीम चीज़ें हैं, ठीक है, और वो मुझे बहुत ज़्यादा मुतासर करती हैं और मैं इनको देखता हूँ और इन्जॉय करता हूँ। और आप लोगों से ये दावत है कि आप जब बहावलपुर में आपका आना हो तो आप ज़रूर हमारे पास तशरीफ़ लाएं, हम बहावलपुर वाले मेहमान नवाज हैं, इंशाल्लाह हम आपकी अच्छे से खिदमत करेंगे और आपको खूब सैर करवाएंगे अपने बहावलपुर की। तो जी दोस्तों, अब हमें अपने दोस्त भाई गुलफाम के घर जाना है जो कि मेरे समधी हैं, और हमने वहाँ पे बच्ची को क्रिसमस ईद देनी है। सारे हमारे क्रिसमस की लाइटिंग हुई है जी गलियों में, इन्हीं गलियों में हम खेलते रहे हैं। तो जी दोस्तों, ये क्रिश्चियन कलोनी बैठा नंबर 2 का चर्च है, इंतहाई खूबसूरत छोटा सा है लेकिन बहुत प्यारा चर्च है ये। तो ये सादी पब्लिक स्कूल के बिल्कुल सामने है। Thank you.
YouTube family. वीडियो बनवा लो अच्छा मैं हम ना यार ये लो इसीलिए मुश्किल हो रही है मुश्किल चलो यार करो फिर वीडियो तो मैं करो रिपोर्टल पिन काम कर दो हां लो बहुत बड़ी आलू की मां जबरदस्त आलू की मां बना दी रात का नेट वापस क्यों जाना पड़ेगा सिर्फ दिखाने हैं लेने नहीं है गर्मा गर्म चावल ये लिया सच भी लौट के है सी यू बहुत मजे के चावल बने टेस्टी हैं बिरयानी जी दोस्तों क्रिसमस की तैयारी हो रही है 24 की नाइट है और हम चर्च जा रहे हैं इबादत के लिए इसी वजह से जी दोस्तों इबादत के लिए जा रहे हैं और धुंध बहुत ज़्यादा है जाने दो दरबार के पास तो कुछ नहीं पता धुंध कितनी ज़्यादा है तो बाहर कुछ भी पता नहीं चल रहा ये खुश्क सर्दी पड़ रही है ये बहुत गंदी शीशे की आगे वो आगे इसको होगा आगे बेटा बहुत काली है अगे आ तेन पता लग जाएगा मैं क्यों स्लो जा रहा हूँ वही तो बता रहा हूँ वो कौन सा डिपर दे रहा है साइड से ले गया बहुत जल्दी ये देखें जी हम चर्च पहुंच गए हैं धुंध बहुत ज्यादा है कुछ भी नजर नहीं आ रहा सारी तरफ और ये मुंह से फोग निकाल के दिखाएं और ये सारे घर वाले जा रहे हैं चर्च की जानिब ये सारी फॉग ही फॉग है ये लाइट्स भी चल रही हैं ये है हमारे भावलपुर का खूबसूरत तरीन चर्च चादर पाई अंदर थले करे गुड हो गया जी गुड वेरी गुड ये जी हमारे सिक्योरिटी के जवान हैं जो चर्च की हिफाजत करते हैं इतनी सर्दी में ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाए इसी तरह आपने खाने के बाद मैं प्याला को दिया और तुम्हारा शुक्र किया और ये कहकर प्याला अपने शागिर्दों को दिया कि तुम सब इसमें से लो और पियो नए और अबदी अहद में ये मेरे खून का प्याला है जो तुम्हारे बल्कि बहुत से लोगों के गुनाहों की माफी के लिए बहाया जाएगा तेरी याद में यही किया दादा
सारी कलीसिया के फर्ज के लिए मंजूर फरमाए। हम तमाम फरिश्तों को कसम देते हैं।
देखें कितनी धुंध है और इबादत ख़त्म हो चुकी है और अब हम घर की जानिब जा रहे हैं। धुंध बहुत ज्यादा है। गिफ्ट्स जो है वो पॉइंट किए हैं सब ने हम जो तकसीम करने की है और उसके बाद अब हम घर पे आ गए हैं। तो खाना है, भाई गुलफाम है मेरे साथ, तो ये मेरे दोस्त हैं और मेरे समधी भी हैं। तो अभी हम खाना खाएंगे, चर्च में से हम इबादत कर गए हैं और इबादत करने के बाद अब हम घर पे आ गए हैं, तो अब हम खाना खाने लगे हैं। ठीक है जी, ये हैं जी गर्मा गर्म रिंग्स। पाए फोटो और जो हो कि मैं थोड़े ही ले आंदी। किसको चाहिए था? ये हैं जी परफॉर्म भाई, अभी आप शेजर साहब जब आप भाई गए तो आप पाइप खा लेनी है, इसके बाद जनाब आप लोग धोती और बनियान पहन लेंगे। इतनी गर्मी हो जाएगी आप लोगों में। सही है, अंकल तेरे पाइप गर्मा गर्म ये गर्मा गर्म पाए हैं क्रिसमस के हम लोगों ने खास कर बनाए हैं। ठीक है, मैं इनको हिला रहा हूँ फिर इनको खाएंगे। मैं मसाला बोल रहा, मैं सेट कर रहा हूँ थोड़े ही के पास ले आई राइस बे वाइस। चलो जी इधर थोड़ा कुछ करेंगे। अच्छा यूं चम्मच नहीं है जैसे डाल हां वो तो हिला के रख दे सब कुछ। एक लाइट रख उधर बुलबुल वो उसके ऊपर वो ठंडी हो गया जी। चलो जी बन रही है जी। इसके बाद क्या खाना चिकन बस ये हैं जी गुलफाम भाई। वालेकुम सलाम। ये जो लुक हाँ जी हाँ जी थैंक यू होने लगे हैं। इस ब्लॉग का यहीं पे एंड करते हैं, तो बराए मेहरबानी इस ब्लॉग को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, आपकी बड़ी मेहरबानी। आपको ये कैसा लगा तो कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइएगा। ओके, खुदा हाफिज़।